नमस्कार, मैं सुशीला राय डिबरी, रोज़ की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर भारतीय घरों में सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल या रिफाइंड इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के तेल में काफ़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, जो इसे हेल्दी ऑयल की कैटेगरी में लाता है। दोस्तों, इसी तरह तिल का तेल खाना बनाने और मालिश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तिल के तेल से भोजन बनाने से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। तिल के तेल में मौजूद पॉलीफेनोल्स जैसे अमीनो एसिड होते हैं, जो तेज़ी से वजन कम करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, तिल के तेल से घुटनों की मालिश करने से सूजन कम तो होती ही है, साथ ही पैरों की मांसपेशियों को भी काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें लिग्नान नामक तत्व होता है जो चर्बी गलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोज की रसोई।